हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना एक टॉपिक जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा, आप ये समझिए 100% गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन 90% चांस होते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आज की वीडियो में हम जीपीसीआर को कवर करने वाले हैं। फिर इसके तीन हमारे पाथवे हैं जिसके बेस पर ये हमारा काम करता है। मैकेनिज्म दिखाता है, कैंप हमारा होता है, आयन चैनल होता है, एक हमारा होता है IP3 डैग। तो इन सबको हम कवर करेंगे। अभी आपको ये नया लग रहा होगा, अभी हम पढ़ते हैं सारा, आपको इजी लगेगा। तो इससे पहले हमारा एक टॉपिक आता है सिग्नल ट्रांसड्यूशन मैकेनिज्म। तो इस चीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये वाला आएगा सिग्नल ट्रांसड्यूशन मैकेनिज्म, फिर हम जीपीसीआर देखेंगे, और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि ये वाले जो हमारे बाकी के रिसेप्टर हैं, टोटल 5 हैं, तो उनको भी हम एक ही या दो वीडियो में कवर कर सकें। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो वो जाके आप पहले देख सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगी, हम बाकी सारा कर सकते हैं। अब इसको हम ऐसे समझते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को। तो हम जानते हैं रिसेप्टर्स हमारे क्या होते हैं। रिसेप्टर एक हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं प्रोटीन्स होते हैं, और हमारी बॉडी के मतलब जो सेल होते हैं, हमारे सेल के सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं और सेल के इनसाइड भी प्रेजेंट होते हैं, दोनों तरफ। मोस्टली जो हमारे वो सेल सरफेस वाले होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रिसेप्टर होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। अब क्या होता है कि कोई भी ड्रग हमारा आता है, वो क्या करेगा, इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, और देन क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा, और तब जाके जो ये हमारा ड्रग है या कोई भी लिगेंड हमारा है, वो जाके अपना रिस्पांस शो करता है। ये इसका सिंपल सा फंडा होता है, यानी कि ये हमारा रिसेप्टर का काम होता है। अब ये सिग्नल ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या है कि जैसे ये हमारा यहां जग गया और इसने इस पर जाके क्या किया, बाइंड किया, लेकिन बाइंड होने के बाद इसने आके जो रिस्पांस है, मतलब जो हमारा रिसेप्टर है, उसने आकर अपना रिस्पांस दिया। तो दिया कैसे, इसको आप कुछ इस तरह समझिए कि ये समझिए कि जैसे मान लो ये हमारे घर के पास में क्या है, एक दुकान बनी हुई है, शॉप, और इस शॉप पर हमें क्या मिलता है, कोई भी मतलब अपना राशन वगैरह का सामान का कुछ भी मिलता है सामान। अब आप यहाँ पर हो और आपको हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है शॉप का शॉपकीपर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये हमारे क्या है, रिसेप्टर हैं, और यहाँ पर आप क्या हो, एक लीगेंड हो। लीगेंड मतलब कोई भी ड्रग जो क्या करता है, चेंज करता है, या रिस्पॉन्स जिससे हमको मिलता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हमने रुपये दे दिए कि जाओ भाई 100 रुपये दो, एक्चुअल में तो जो हमारा 100 रुपये होगा वो हमारी एक्चुअल में चाबी होगी जिससे हमको वो सामान मिलेगा। अब वो गया, उसने 100 रुपये यहाँ जाके दे दिए दुकानदार को, तो ये क्या हुआ कि ये हमारा ड्रग इस रिसेप्टर पर जाके बाइंड, यानी कि 100 रुपए हमारे जिस जगह पहुंचने थे उसकी गुल्लक में पहुंच गए। अब हमारा कि आखिर इसको रिस्पांस मिला तो मिला कैसे, तो वो हमारी कहानी कहलाती है मैकेनिज्म वाली, एक ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म, यानी कि एक सिग्नल यहां पे मिल गया 100 रुपए का। अब ये क्या करेगा, अपनी दुकान में जाएगा, उस 100 रुपए को रखेगा, फिर जो सामान चाहिए उसको पहले वो ढूंढेगा दुकान में, उस सामान को उठाया उसने, फिर वहां से उठा के लाके फिर क्या करेगा, वो जिसको चाहिए होगा उसको वो सामान दे देगा, और वो वापस कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा। यानी कि ये हमारा गया रिस्पांस, इस तरह ये हमारा गया ड्रग लिगेंड गया यहां पर गया, और इसके द्वारा जो रिस्पांस आ रहा है हमारा वो आया ये वाला। तो यहां से ये कहानी यहां तक कैसे आई, इस पूरे जो मैकेनिज्म होता है, इसको हम बोलते हैं सिग्नल ट्रांसड्यूशन मैकेनिज्म बोलते हैं। और इसी के द्वारा हमारे जो बाकी के जो होते हैं ना, फैमिलीज वगैरह, ड्रग, जितने भी रिसेप्टर होते हैं, वो इन्हीं के द्वारा क्या करते हैं, अपना असर दिखाते हैं हमारी बॉडी में। तो बस यही फंडा है। वैसे अगर सिंपली देखें तो हमारा यही है कि भाई ड्रग गया रिसेप्टर पे जाके बाइंड किया, रिसेप्टर को एक्टिवेट किया, और अपना जिस ड्रग ने अपना काम दिखाया, लेकिन उस रिसेप्टर ने एक्चुअल में वो रिस्पांस तो रिसेप्टर के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस रिसेप्टर ने उस रिस्पांस को कैसे यूटिलाइज किया, उस रिस्पांस को कैसे इंड्यूस किया, ये सारा फंक्शन हम पढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये चीज समझ गए होंगे, सिंपल आपका फंडा है। अब कौन कौन से जैसे होते हैं, तो हम जैसे माने अभी कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं जो हमने पढ़े थे, तो ये वाले जो हमारे होते हैं ये जी प्रोटीन को फॉलो कर रहे हैं, एन वाले हमारे आयन चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब इनके पाथवे को फॉलो करते हैं। अब जैसे यहां पर देखो, ये हमारा पूरा का पूरा एक जी रिसेप्टर है, कपल रिसेप्टर, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इस पे ये ड्रग बाइंड हुआ और क्या किया, यहां पे इसे एक्टिवेट करेगा और ये पूरा ऐसे हमारा फ्लो करता जाएगा और यहां जाके हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये जो पूरा पाथवे ऐसे करके हमारा ये ड्रग फ्लो कर रहा है, ये वाला जो पूरा है, ये हमारा एक तरह से कहलाता है सिग्नल ट्रांसड्यूशन मैकेनिज्म। अब ये हमारे टोटल 5 तरह से यहां पे हो रहा है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला हमारा है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, और ये एक रिसेप्टर है, सुपर फैमिली है, जिसके अंदर हमारे कुछ कुछ मतलब छोटे छोटे रिसेप्टर काम आते हैं, और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप अच्छे से समझ लेना। दूसरा हमारा आता है आयन चैनल रिसेप्टर, फिर हमारा आता है ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर, और चौथा हमारा आता है ट्रांस मेम्ब्रेन जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर, और पांचवा हमारा आता है रिसेप्टर दैट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ये हमारे टोटल 5 है, और देखा जाए तो ये 5 रिसेप्टर है, सुपर फैमिलीज हमारी, और ये हमारे क्या है, एक तरह से एक पाथवे है। यानी कि हमारा जैसे कोई रिसेप्टर है कॉलिनर्जिक वाला, जो हम मेडिकल में पढ़ रहे थे, तो कॉलिनर्जिक जो हमारा रिसेप्टर है वो इसको फॉलो कर रहा है एम वाला। तो क्या होगा कि अगर कोई ड्रग हमारा एम वाले में बाइंड करेगा, तो उसका जो फंक्शन होगा, यानी कि जैसे वो रिस्पॉन्स देगा, वो हमारा किसके अकॉर्डिंग देगा, वो जी प्रोटीन के अकॉर्डिंग। यानी कि जैसे हमारा जी प्रोटीन काम करता है, वैसे ही हमारा ये वाला काम करेगा।
तो अब बारी आती है हमारी जो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को समझने की, क्या होता है कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इसके और नाम जानते हैं, पहले फुल फॉर्म देखें तो जीपीसीआर की फुल फॉर्म हो गई जी प्रोटीन, पी से प्रोटीन, सी फॉर कपल, आर फॉर रिसेप्टर। यानी कि अगर हम सिंपल देखें तो एक जी प्रोटीन है हमारा और जो हमारा लीगेंड होगा जिसके द्वारा हम जहाँ वाइंड करेंगे वो होगा, और कपल मतलब जोड़ा होता है, देखा होगा दो हंसों का जोड़ा, ये सब चीजें, और ये हमारा कहलाता है रिसेप्टर। तो आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये हमारी कोई बॉडी है, ये हमारा रिसेप्टर है और ये हमारा क्या है, एक लीगेंड है। अब लीगेंड क्या होता है वो भी बताता हूँ, ये क्या करेगा हमारे यहाँ जाके इसको बाइंड करेगा और देन वो क्या करेगा इसको एक्टिवेट करेगा और तब जाके अपना रिस्पॉन्स वो करेगा। तो जो लीगेंड्स होते हैं उसमें हमारे क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हमारा ड्रग ही जाके बाइंड करता है, ऐसा नहीं, एक्चुअल में हमारे क्या क्या होता है, एक तो ड्रग होता है जो हम बाहर से देते हैं वो, एक हमारी बॉडी में हार्मोन सीक्रेट होते रहते हैं वो भी इन रिसेप्टर पर जाके बाइंड करते हैं। फिर हमारी बॉडी आते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, जो हम अभी पढ़ रहे थे ना, जैसे मेडिकल में हमने पढ़े थे कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक के होते हैं, सिंपैथेटिक के होते हैं, हमारे कॉलिनर्जिक होते हैं, एडिनर्जिक होते हैं, तो ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये भी हमारे क्या करते हैं बॉडी में जाके और तब अपना काम दे रहे थे, तो ये भी हमारे लीगेंड कहलाते हैं। फिर हमारे कुछ केमिकल सबस्टांस होते हैं, कोई भी हमारे बॉडी में आते रहते हैं वो हमारे, यानी कि जो कोई भी चीज हमारी यहां जाके बाइंड कर रही है तब जाके अपना इसको एक्टिवेट करके असर दिखाती है, तो वो चीज हमारी यहां क्या कहलाती है, लीगेंड। अगर कभी कोई आता है तो आप बोल सकते हैं लीगेंड आर दोज केमिकल सबस्टांस ड्रग हार्मोन कुछ देन मतलब एक्सेट्रा व्हिच बाइंड विद रिसेप्टर एंड गिव इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब हम समझते हैं कि हमारा जो जीपीसीआर है उसका एक्चुअल में और क्या क्या नाम है, क्योंकि इसको एक नाम से एग्जाम में इसको बदल बदल के भी पूछा जाता है। तो ये एक आल्सो नोन एज हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर, और ये क्यों होता है इसको मैं आगे बता दूंगा। देन हमारा आता है सेवन ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, या कहीं कहीं शॉर्ट में लिखा होगा सेवन TM रिसेप्टर। फिर हमारा लिखा होता है यहाँ मेटाट्रॉपिक, ये भी मतलब एक क्लास है जो हमारी जीपीसीआर के अंदर आती है। तो ये हमारे कुछ नाम है, कहीं कहीं सेवन हेलिकल वाला भी लिखा होगा, तो ये सारी चीजें जो इसी का है, मतलब सेवन से रिलेटेड जो भी आ जाता है हमारा जीपीसीआर के अंदर आता है। अब ये जी प्रोटीन हमारे जो मेन है इसका, ये क्या होती है, तो जी फॉर हमारा होती है ग्वेनिन, और ग्वेनिन हमको अगर याद होगी तो जो हमारी डीएनए वाली संरचना आपको ऐसे याद होगी, तो इसमें हमारे जो यहाँ पर बॉन्ड बने होते हैं ये इतना अंदर मैं नहीं जाऊंगा, ये अलग कभी देखेंगे। तो इसमें जो हमारी ये कपल रिसेप्टर मतलब एक तरह जोड़ा होता है, तो इसमें हमारी एक प्रोटीन होती है जिसको हम मानते हैं ग्वेनिन, ठीक है। तो ये हमारी ग्वेनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन, ये हमारी टोटल होती है ग्वेनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन होती है। अब तीसरी बात करते हैं, तो ये हमारे क्या है सेल सरफेस रिसेप्टर है, यानी कि अगर हम सिंपल समझे तो जैसे मान लो ये हमारा कोई सेल सरफेस मतलब सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये हमारी जो सरफेस है ना ये पूरी हमारी सरफेस है, तो इस सरफेस पे ये वाले जो हमारे हो गए मेम्ब्रेन, ये वाले जो रिसेप्टर होंगे वो हमारे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ये हमारी एक बात हो गई। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, तो इट कंसिस्ट अ लार्ज प्रोटीन फैमिली ऑफ रिसेप्टर दैट सेंस मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल एंड एक्टिवेट इनसाइड ट्रांसफर। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, ये वाली कहानी अभी मैं आपको आगे समझाता हूं। तो जैसे ये समझो कि ये हमारा है रिसेप्टर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहां पर, बहुत ही इजी वे में आप कहानी की तरह समझ सुनते जाइए आपको सारा कुछ समझ आएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे। तो जैसे हम लोग ये हमारी क्या है सेल मेम्ब्रेन, आपको ये दिख रही होगी पूरी, अब इसके बीच में ये हमारा प्रेजेंट होता है रिसेप्टर कुछ इस तरह होता है, और ये हमारे टोटल सेवन हेलिक्स होता है, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए इसका नाम हमारा क्या होता है हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर, या हम बोल सकते हैं सेवन ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। अब ये हमारी मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन को ये क्या कर रहे हैं क्रॉस ऐसे कर रहे हैं, तो ये हमारी ट्रांस वर्ड कह रहा है, इसलिए आता है सेवन ट्रांस मेम्ब्रेन, यानी कि 7 बार जो हमारा इसको क्रॉस कर रहा है तो ये हमारा कहला है सेवन ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। और बाकी जो हमारा दूसरा नाम था मेटाट्रॉपिक, ये हमारे क्या है इसके अंदर के फंक्शन के बेस पे है, ठीक है। तो ये हमारा दो नाम इसके हो गए हेप्टा हेलिकल, और इसको हम जो अल्फा हेलिक्स मतलब ये हेलिकल भी हमारी कहलाती है, इसी जो फंडा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक ये हमारा क्या होता है अमीनो एसिड वाला होता है, यानी कि यहाँ हमारा ग्रुप का होता है NH2, और जो हमारा नीचे इंट्रासेल्युलर वाला पार्ट है ये हमारा कहलाता है COOH। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज रिलेट कर पा रहे हो तो इसको मैं थोड़ा आपको विजुलाइज कराना चाहूंगा, जैसे आप ये समझो कि ये हमारा क्या होता है सेल होता है, ठीक है। और हमारा जो मेन फंक्शन बहुत से फंक्शन है वो कब होते हैं जब कोई चीज़ हमारे सेल के अंदर पहुंच जाती है, ये हमारा क्या है सेल है। अब सेल के अंदर क्या होता है कि जैसे बहुत सी चीज़ें वो क्या करती हैं सेल के अंदर ऐसे नहीं जा पाती हैं, तो वो क्या करती हैं कि सेल पे हमारे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे रिसेप्टर पे क्या करेंगे बाइंड हो जाएंगी, और वो रिसेप्टर क्या करेगा खुद एक्टिवेट होकर यहां से ऐसे ऐसे घूम के, और जो अंदर यहां पे एक रिसेप्टर होगा इस पे जाके क्या करेगा रिस्पॉन्स अपना दे देगा। यानी कि आप सिंपल ऐसे समझो यहां पर कि आप कोई मतलब कमरा हमारा घर है, ठीक है, और उस घर का क्या है यहाँ पे ताला लगा है, कोई अंदर फंसा है, आप उसके पास नहीं जा पा रहे, तो आप क्या करोगे कि बाहर से ही कोई सामान उसकी खिड़की थ्रो अंदर पहुंचा दोगे। तो ये हमारे रिसेप्टर का काम है कि कोई भी डैग है वो अंदर नहीं जा पा रहा, काम नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा इस रिसेप्टर के थ्रो यहां जाएगा, इसको एक्टिवेट करेगा, और जो भी हमारी बॉडी में काम हमको चाहिए, जो हमारे सेल्स में हमको काम चाहिए, वो उस रिसेप्टर के थ्रो हमारे यहाँ ट्रांसफर हो गया, हमारे बॉडी के अंदर वो काम हमारा पहुंच जाता है, यानी कि ड्रग हमारा अंदर भी नहीं आया लेकिन ड्रग ने अपना जो काम भी हमारी बॉडी में दिखा दिया। तो ये सारी चीजें हमारी रिसेप्टर कहलाती है, वो इसी का काम करते हैं रिसेप्टर।
हमारा, एक तरह से हम बोले तो यहाँ पर समझो द्वारपाल बैठा, यानी कि एक चौकीदार, चपरासी या सिक्योरिटी गार्ड, कुछ भी आप बोल लो, वो यहाँ बैठा हुआ है, कोई भी काम होगा वो इसको दे देंगे, ये भाई अंदर जाएगा और उस चीज को पहुंचा देगा। ये वाला हमारा काम यहाँ पर एक्चुअल में, मतलब शुद्ध भाषा में देखा जाए तो रिसेप्टर का ये काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह का होता है। और जो बाहर का पार्ट है ये सेल मेम्ब्रेन है, तो जो हमारा ये वाला पार्ट है ये हमारा बाहर का होता है, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो अंदर का इसके अंदर होगा वो होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और इस चीज को एक और नाम से जानता है, वो हमारा क्या होता है, साइटोसोल। साइटोसोल क्योंकि ये साइटोप्लाज्मा होती है, तो ये पूरा सीन हमारा साइटोसोल कहलाता है। ये सब मैं आपको अभी बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक आप जानेंगे ना तभी आपको आगे की कहानी जो है समझ आएगी। तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारा कुछ इस तरह का पूरा हमारा बना होता है। आप ये समझ लो अभी कैसे बना होता है। अब बात करें तो जो हमारे ये अल्फा हेलिक्स हैं, जो सेवन ट्रांस मेम्ब्रेन है, ये हमारी कुछ इस तरह की दिखाई देती है। मैंने थोड़ा बड़े में यहाँ बना दिया है, और ये हमारी पूरी सेल मेम्ब्रेन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ये हमारी जो होती है यहाँ, वैसे तो बाइंडिंग साइट हमारी किसी पर भी, मतलब इस पूरे कॉमन में अटैच हो जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पर जाके अटैच होगी, लेकिन दिखाने के लिए यहाँ पे एक मैंने ये बना दी, बाइंडिंग साइट हो गई। अब यहाँ पर लूप, यानी कि जो जैसे ये जो मोड होता है, यानी कि मोटरें होते हैं, वो हमारे यहाँ पे तीन लूप हमारे एक्स्ट्रा सेल में होते हैं बाहर सेल के, और तीन लूप हमारे ये अंदर यहाँ पे बन रहे होते हैं, और जो हमारे ये लूप्स हैं इन्हीं पर हमारी क्या होती है, चीजें जाके अटैच होती हैं। तो ये हमारा सिंपल हो गया ईसीएफ, और ये हमारा हो गया आईसीएफ, ठीक है। अब ये हमारा जी प्रोटीन क्यों है, क्योंकि जो हमारी ये लास्ट वाली यहाँ लूप है, यहाँ पर हमारा एक जी प्रोटीन मतलब अटैच होता है। अब जी प्रोटीन क्या चीज़ होती है, इसको आप समझो, ये हमारा एक ट्राइमर्स होता है। ट्राइमर मतलब क्या होता है, कोई तीन चीज़ें मिलके बना रही है, वो हमारा हो गया ट्राइमर। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ एक हमारी माला है, तो जैसे मान लो ये मैं कहूँ ये हमारी क्या है, एक माला है, तो यहाँ पर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है, ये एक हमारा माला है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैंने एक सिंपल रख दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमर। मोनो मतलब एक हो गया। अब मैंने यहां माला के अगर दो हिस्से ले लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइमर हो जाएगा, यानी कि दो फॉर्म में हो गया। अब मैंने यहां तीन रख दिया, तो हमारे क्या हो जाएगा, ट्राइमर हो जाएगा। तो ये हमारे यहां पे मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर, ये हमारी कुछ ऐसी चीजें कहलाती हैं। अब अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारा क्या है, ट्राइमर है। ट्राइमर क्यों है, क्योंकि ये हमारा तीन फॉर्म है, अल्फा, बीटा और ये गामा, तीन हमारे कुछ इस तरह आपस में अटैच होते हैं, तो ये हमारा कहलाता है ट्राइमर। और जो अल्फा वाला है, अल्फा के साथ हमारी एक जीडीपी अटैच होती है। अब जीडीपी, जीटीपी, एडीपी, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे एनर्जी के फॉर्म होते हैं, और इन्हीं में हमारी कम ज्यादा होकर हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये आप हम पहले बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, आप अपना इतना समझ गए होंगे। अब ये जो हमारी प्रोटीन है ना, ये वाली जी प्रोटीन, ये हमारी इसके साथ मतलब अटैच होती है, ये हमारी जो है ना सेल मेम्ब्रेन, इसके साथ जाके हमारी अटैच होती है। और ये जो हमारी 7-7 मेम्ब्रेन थी, वो हमारी कुछ इस तरह होंगी। जैसे मान लो ये हमारा सेल है, तो यहाँ पर ये इस तरह हमारी बाइंडिंग मतलब आपस में सिकड़ी हुई होती है, देखो इस तरह हमारी ये कुछ राउंड फॉर्म में होती है। अभी ये बस आप इसको देख लो, जिससे आपको ये समझ आता है। तो ये हमारी जी प्रोटीन होगी। अब हमारा काम शुरू होता है मैकेनिक्स का, यानी कि हमने अब तक ये समझ लिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे हमारी होती हैं जी कपल रिसेप्टर में, जीपीसीआर में। अब हम इसका समझते हैं आगे की चीज़ें। तो ये मैंने वही बातें लिख दी जो मैंने यहाँ बताया था कि 7 अल्फा हेलिक्स मेम्ब्रेन होती हैं, 3 इंट्रा सेलुलर होगी, 3 एक्स्ट्रा सेलुलर होगी, और जी प्रोटीन हमारा ट्राइमेरिक फॉर्म में होता है, यानी कि अल्फा, बीटा, गामा, और अल्फा के साथ हमारी क्या होती है, जीडीपी अटैच होती है। अब हम समझते हैं इसका मैकेनिज्म की एक्चुअल में ये हमारी चीज क्या है, काम कैसे करती है। तो सबसे पहले हमारा कोई, जैसे अब तो ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि जब हमारी बॉडी में कोई काम नहीं हो रहा, नॉर्मल, ना कोई ड्रग है, ना एगोनिस्ट है, कोई चीज नहीं है, तो हमारी नॉर्मल है। अब हमारी बॉडी में कोई आता है एगोनिस्ट, यानी कि कोई चीज हमारी आएगी जो हमारी बॉडी में क्या होगी, बाइंड करेगी। तो जैसे यहां पे लेट करो कि हमारी बॉडी में कोई ड्रग या फिर कोई एगोनिस्ट, एगोनिस्ट का काम क्या होता है, जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स शो करता है, तो या तो कोई ड्रग या एगोनिस्ट हमारा क्या करेगा, रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा। तो लेट करो कि यहां पर हमारा क्या हो गया, एगोनिस्ट जाके चिपक गया, ठीक है। अब यहां पर जाके बाइंड हो गया, उसके बाद क्या होगा, हमारे जो लूप्स हैं उनमें क्या हो जाएगी, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसको आप जो है डायग्राम से समझो कुछ इस तरह। जैसे मान लो ये हमारी क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन है, मैंने 7 को एक ही मतलब दिखाने के लिए कर दिया, वैसे हमारी ये 7 मेम्ब्रेन वाली होती है। तो लेट करो ये हमारा रिसेप्टर है, और ये हमारी क्या है, ये अल्फा, बीटा, गामा ट्राइमेरिक फॉर्म में ये कनेक्ट है, और अल्फा के ऊपर हमारा जीडीपी भी लगा हुआ है, और यहां पर देखो ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन से अटैच है। अब क्या होगा कि लेट करो कोई हमारा लिगेंड या फिर कोई ड्रग या एगोनिस्ट, कोई भी चीज हमारी जो एक्टिवेट करेगी, वो जाके यहां पे क्या होगी, बाइंड होगी। अब बाइंड होने के बाद हमारी दो चीजें यहां पे होती हैं, तुरंत बाइंड होने के बाद हमारे क्या होगी, जैसे हमारा ये ट्राइमर जो बना हुआ है ना, ट्राइमर, वो हमारा ट्राइमर क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ट्राइमर में हमारी तीन चीजें रहती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा के साथ जीडीपी। तो यहां पर कुछ इस तरह टूटेगा कि जो हमारे ये अल्फा होगा, पहली बात तो ये कि अल्फा पे जो हमारी जीडीपी लगी थी, वो जीडीपी हमारी हटके और जीडीपी ये हमारी जीटीपी लग जाएगी। यानी कि आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो हमारी ये लगी थी जीडीपी, जीडीपी, और जीडीपी में क्या होता है ये चीज, अब जीडीपी का हमारा हटके क्या लग जाएगा, जी टीपी लग जाएगा। यानी कि यहाँ डाई था, दो थे, और यहाँ ट्राई हो गया तीन, यानी कि यहाँ पर एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये कुछ इस तरह हमारा चेंज हो जाएगा।
आप इसको बहुत ही ध्यान से समझना। तो पहली हमारी चीज यहाँ पर क्या हुई कि हमारा जो जीडीपी था, यहाँ पे देखो पहले जीडीपी अटैच था, तो इस जीडीपी की जगह हमारा क्या हो गया, यहाँ पर जीटीपी अटैच हो गया। तो ये हमारे फिर भी ट्राइमेरिक फॉर्म है। अब क्या हो जाएगा, अब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन ये दो हिस्सों में होगा। पहला हमारा क्या होगा, अल्फा और जीटीपी, यानी कि जो जीटीपी लग गया वो जीटीपी और ये अल्फा, ये हमारे एक हिस्सा इधर बन जाएगा। और जो दूसरा हमारा बचा बीटा और गामा वाला, ये हमारा बीटा गामा अलग हो जाएगा। अब ये बीटा गामा हमारा क्या है, डायमर फॉर्म में है, ये हमारा क्या हो गया, अलग डायमर फॉर्म में। अब यहां से आप आगे की कहानी समझो कि जो हमारा अभी अल्फा जीटीपी होगा, ये हमारा क्या करेगा, हमारी बॉडी में एक इफेक्टर एंजाइम होता है, उस एंजाइम को ये एक्टिवेट कर देगा, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ये हमारा क्या करेगा, दो चीजों को हमारी बॉडी में एक्टिवेट करेगा, एक हमारा होगा एडिनाइलिन साइक्लेज और दूसरा हमारा होगा यहां पे फॉस्फोलाइपेज सी। और जो हमारा डाइमर बनता है बीटा गामा, ये हमारा क्या करता है, आयन चैनल रेगुलेशन को एक्टिवेट करता है। अभी बस आप इतना समझो, अब ये एक्टिवेट होके क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझो कुछ कि हमारा यहां पर क्या हुआ, जीडीपी से हमारा जीटीपी अटैच हो गया, ये एक्टिवेट हो गया, और हमारा ये अल्फा और जीटीपी ये हमारे अलग हो गए, और बीटा और गामा ये हमारी दो अलग हो गई। अब क्या करेगा कि जो अल्फा जीटीपी ये हमारी जो चीज है, ये हमारी जो इफेक्टर एंजाइम होता है, जैसे आपको ये मैंने बताया था, तो ये हमारा कुछ इस तरह का होता है। तो ये हमारा एसी है एसिड, ये हमारा ये वाला मैंने यहाँ पे बताया था, दूसरा है हमारा एडिनाइलेज साइक्लेज और फॉस्फोलाइपेज सी। तो ये हमारा दोनों है, यानी कि अलग अलग सीन है ना, दो काम कर रहा है। तो जब हम एसी वाला लेंगे तो ये हमारा ये है, और हम चाहें तो इसी को पीएलसी वाला कर सकते हैं। तो जब एसी वाला होता है तब क्या करता है, ये यहाँ जाएगा और इसको एक्टिवेट कर देगा, और हमारा ये अल्फा और जीटीपी ये हो जाएगा। दूसरी कंडीशन जो हमारा मैंने बीटा और गामा बताया था, ये हमारा क्या करेगा, आयन चैनल को एक्टिवेट कर देगा। तो यहां तक इनका ये काम हो गया। अब हमारे आते हैं यहां पर पाथवे, यानी कि ये हमारा हो गया, एक हमारा क्या यहां एक्टिवेट क्या क्या हो रहा है ये हम देखें अगर, तो हमारी यहां पर टोटल तीन चीजें एक्टिवेट हो रही हैं। पहले हमारी क्या है, एडिनाइलिन साइक्लेज, और इसको एक्टिवेट किसने किया, अल्फा और जीटीपी जो अलग हुआ उसने। दूसरी हमारी यहां फॉस्फोलाइपेज सी, और इसको भी एक्टिवेट किसने किया, अल्फा और जीटीपी ने। फिर हमारे यहां पर आयन चैनल रेगुलेशन एक्टिवेट हो गया, और इसको किसने किया, डायमर ने। यानी कि तीन चीजें हमारे यहां पर जो है एक्टिवेट हो रही है, सिंपल बात है। अब हम आगे की कहानी कुछ इससे समझते हैं, उससे पहले हम एक चीज जान लेते हैं, जो हमारी जी प्रोटीन है, ये हमारी टोटल चार पार्ट्स में यहां पर डिवाइड हो रही है। पहली हमारी है जीएस। अब जीएस क्या कर रहा है कि जो हमारी एडिनाइलिन साइक्लेज ये हमारी होगी, इसके एक्शन को थोड़ा सा बढ़ा देगी, यानी कि जो ये वाला होगा ना, इसके एक्शन को हमारी जीएस बढ़ा देगी। और दूसरी हमारी यहाँ क्या होगी, और ये हमारा एक तो करेगा सी ए टू प्लस चैनल ओपनिंग, यानी कि जो आयन चैनल हमारे यहाँ होगा, एक कैल्शियम वाला, इसको ये ओपन कर देगा। दूसरी हमारी यहाँ जी आई है, ये हमारे क्या करेगा, एडिनाइल साइक्लेज जो हमारा था इसकी इनिबिट करेगा, यानी कि इसके एक्शन को थोड़ा सा रोकेगा, और ये पोटेशियम चैनल को ओपन करता है। तीसरा हमारा है जी नॉट बोलो या जी ओ बोलो, ये हमारा क्या करेगा, कैल्शियम चैनल को इनिबिट करेगा। और चौथी हमारी यहाँ पे आती है जी क्यू चीज, ये हमारी फॉस्फोलाइपेज जो हमारा एक्टिवेट हो रहा था उसकी एक्टिवेशन को ये बढ़ाता है। यानी कि टोटल यहाँ पे हमारे जी प्रोटीन चार तरह से, और ये कुछ अपना इस तरह से काम करता है। अब हमारी जो जी प्रोटीन है वो अपना तीन पाथवे के द्वारा अपना एक्शन शो करते हैं। इनको हम एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा है सी एम्प, यानी कि साइक्लिक एम्प पाथवे, और ये हमारा एक्टिवेट किसके द्वारा हो रहा था, एडिनाइलिन साइक्लेज जो हमने पहले पढ़ा। फिर हमारा आता है आईपी थ्री डैग पाथवे, और इसको हम फॉस्फोलाइपेज सी के द्वारा, यानी कि ये हमारा एक्टिवेट हो रहा था तो आईपी थ्री डैग हो रहा है, और एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो रहा था तो हमारा कैम्प वाला हो रहा था, और तीसरा हमारा आयन चैनल है तो यहां पर हमारा चैनल रेगुलेट एक्टिवेट हो रहा है। अब हम एक एक करके इन तीनों पाथवे को पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में क्या क्या रिस्पॉन्सेस आते हैं। अब पहली कहानी हम पढ़ते हैं कैंप की। तो कैंप से अगर हम फुल फॉर्म देखें तो सी फॉर हो गया साइक्लेज, और एम से हो गया एडिनो मोनोफॉस्फेट, ये हमारा एक मोनोफॉस्फेट, वही एटीपी और एडीपी एएमपी, ये हमारे क्या है, एनर्जी के रूप होते हैं। अब ये वाले जो पाथवे हमारी एक्टिवेट किससे हो रही है, जीएस से, वो मैंने यहां पर आपको दिखाई दिया था कि जीएस से हमारा ये वाला एक्टिवेट होगा और इनिबिट हमारा हो जाता है जीआई से। तो ये दोनों चीज यहां लिख दी है, इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप यहां समझ लेना। अब हम आगे की कहानी समझते हैं कि एक्चुअल में अभी हमारा हो क्या रहा था। तो इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं, इसका आपको ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो जैसे ये समझो कि हमारा यहाँ पर एसी हमारा एक्टिवेट हो गया था, हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले हमारा ये कुछ इस फॉर्म में है, फिर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर ड्रग बाइंड हो गया, ड्रग बाइंड होने से क्या हुआ, जीटीपी से हमारा बनेगा जीटीपी, और ये दोनों हमारे सेपरेट हो गए, अल्फा जीटीपी अलग और बीटा गामा अलग। और इन दोनों ने क्या किया कि इन दोनों ने जो हमारा अल्फा जीटीपी था, इसने हमारा इस एसी को एक्टिवेट कर दिया, जो हमारा इफेक्टर ऑर्गन था इसको इफेक्टर एंजाइम, और जो हमारा बीटा गामा था इसने हमारे एन चैनल को रेगुलेट कर दिया। अब जो हमारा एसी हमारा ये एक्टिवेट हुआ, इस एसी से अब आगे की कहानी समझते हैं कि इस एसी ने क्या किया कि हमारे वहां पर जो सेल में एटीपी प्रेजेंट होता है, उस एटीपी को इसने कैंप में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हमारा एक एंजाइम होता है, एटीपी से उसने कैंप में कन्वर्ट कर दिया सी एम्प में। अब ये हमारा जो कैंप है, ये हमारा क्या है, एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। अब ये क्या करेगा कि हमारी बॉडी में प्रोटीन काइनेज नाम का एक एंजाइम होता है, यहाँ पे सेल के अंदर ही होगा। ये सारी घटनाएं जो हो रही है ना, ये हमारी क्या हो रही है, सेल के अंदर हो रही है। यानी कि ये जो हमारा सेल है ना,
सारी घटना इसके अंदर हो रही है। ये रिसेप्टर से हमारा हुआ, इस रिसेप्टर से हमारे यहाँ अंदर आ गई, फिर जी प्रोटीन ये था, तो ये हमारे क्या हो गए, अलग अलग हो गए दोनों। फिर इसने यहाँ एसी को एक्टिवेट कर दिया, फिर एसी से हमारा क्या हुआ, एटीपी से हमारा कैंप बन गया। अब कैंप ने हमारे जो इसके अंदर प्रोटीन काइनेज होता है, उस प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर दिया, पीकेए को। तो ये हमारा सारा काम सेल के अंदर हो रहा है। अब जो प्रोटीन काइनेज हमारा एक्टिवेट हो गया, ये क्या करेगा, ये हमारी बॉडी में फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम कर देगा, यानी कि हमारी बॉडी में क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन कर देगा। अब बहुत लोगों को डाउट आ रहा होगा कि फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, सिंपल है, लेकिन आप इसको ऐसे समझ लो कि जो हमारी फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है कि हमारा कोई भी चीज़ होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। अब इससे होता क्या है काम, तो आप ऐसे समझो कि हमारी बॉडी मान लो एडीपी प्रेजेंट था, अब उसकी हम फॉस्फोराइलेशन करा दें, तब क्या हो जाएगा, एडीपी से एटीपी बन गया, यानी कि एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप क्या हो गया, ऐड हो गया। अब यहाँ पर डाई फॉस्फेट था, यानी कि यहाँ पर दो मान लो ये हमारे एडीपी थे, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ट्राई हो, यहाँ हो गया तीन। अब दो से तीन जाएगी तो एक चीज़ हमारी बढ़ रही है ना, प्लस हो रही है, तो यहाँ पर जब कोई चीज़ प्लस होगी, एक एनर्जी बढ़ेगी, तो भाई उसके काम भी बढ़ेंगे। तो यही हमारा यहाँ फंडा होता है कि क्या करते हैं हम, एंजाइम की जब फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं, तो एंजाइम में हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, और जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, उस पर हमारी बाकी चीज़ें क्या होती हैं, अटैच होने लगती हैं, और अपना जो है रिस्पॉन्स देने लगती हैं। तो ये हमारी फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है, वो कुछ इस तरह काम आती है, और ये हमारे आगे भी काम आने वाले, इसको आप ऐसे समझो। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे कैंप ने क्या किया, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर दिया, और इसने हमारी बॉडी में जो एंजाइम थे उसकी फॉस्फोराइलेशन करा दी, और इसके बाद क्या होगा, हमारी बॉडी में इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब इफेक्ट क्या क्या मिलते हैं, इसके लिए मैंने यहां पर एक छोटी सी ट्रिक है हमारे भैया के, उसको मैंने यहां यूज किया है, हमारी क्या, आप सिंपल समझो, लास्ट। अब लास्ट से हमारा क्या हो रहा है, एल फॉर हमारा हो गया लीवर, और लीवर में हमारा क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि जब हमारा ये जी प्रोटीन वाला काम करेगा, तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजिनोलाइसिस होने लगती है। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब क्या है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज से आगे जो हमारा ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म में होता है, उससे हमारा अगेन ग्लूकोज बनने लगता है। ए फॉर हमारा हो गया एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में हमारी लाइपोलाइसिस हो रही है। एच फॉर हो गया हमारा स्मूथ मसल, अब स्मूथ मसल में हमारी क्या होती है, रिलैक्सेशन होती है। और एच फॉर हमारा हो गया हर्ट, और हर्ट में हमारी क्या होती है, जैसे इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, यानी कि हमारे हर्ट में हमारा जो कंडक्शन प्रोसेस है वो थोड़ी बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी वो चीज़ हमारी बढ़ जाती है। बाकी हमारा आयन चैनल, जो हमारा वीटा काम था, वो हमारा आयन चैनल रेगुलेट कर रहा था, तो वो हमारा क्या करेगा, कैल्शियम चैनल में जो कैल्शियम हमारा होगा उस चीज़ को बढ़ा देगा, हमारे हर्ट में, ब्रेन में और किडनी में, इन तीनों में हमारा कैल्शियम बढ़ा देगा। अब कैल्शियम बढ़ जाएगा तो वो अपना अलग अलग इफेक्ट देगा। तो कुछ इस तरह हमारा ये कैंप वाला जो है काम करता है। अब हम अपना दूसरा पाथवे बात करते हैं, जिसका नाम हमारा क्या है, IP3 डैग पाथवे, और इसको हम फॉस्फोलाइपेज सी के द्वारा एक्टिवेट करते हैं। अब इसको कुछ इस तरह समझो, वही वाली कहानी, ये हमारा रिसेप्टर था पूरा, यहाँ पे हमारा ड्रग बाइंड हुआ, ये हमारे दोनों अलग अलग हो गए। अब जो ये वाला था, इसने हमारा क्या किया, इफेक्टर जो ऑर्गन था इसको एक्टिवेट कर दिया, बीटा गामा ने आयन चैनल एक्टिवेट कर दिया। अब जो इफेक्टर ने अल्फा और जीटीपी थे, इन्होंने जो इफेक्टर एक्टिवेट किया, तो ये हमारा जो एडिनाइल साइक्लेज है उसके केस में ये एसी था, लेकिन जो हमारा फॉस्फोलाइपेज है उसके केस में ये हमारा क्या है, PLC है। और PLC मतलब क्या है, फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है, ये हमारा सी क्या है, उसका नंबर है फॉस्फोलाइपेज, PL से फॉस्फोलाइपेज और सी पर सी। तो इसने क्या किया, हमारे फॉस्फोलाइपेज को क्या कर दिया, एक्टिवेट, यही समझो, ये हमारा अल्फा GTPase ने क्या किया, फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट कर दिया। अब ये क्या कर देगा कि हमारे बॉडी वहाँ पे जो सेल है उसके अंदर हमारा एक ड्रग प्रेजेंट होता है PIP2, और PIP2 की हमारी फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फोटेडाइल और हमारा इनोसिटॉल, आई फॉर इनोसिटॉल और हमारा 4,5-bisphosphate, ये हमारा होता है ड्रग। और जो IP3 होता है इसका मतलब होता है इनोसिटॉल 1,4,5-trisiotol, और जो डैग हमारा होता है वो हमारा होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल। तो ये हमारी तीन चीज़ें होती हैं। अब क्या करता है कि जो हमारा PLC है हमारा, ये यहाँ पर ये एक्टिवेट हो रहा था PLC, ये PLC क्या करेगा, हमारे जो बॉडी में PIP3 होगा इसको हमारा IP3 और डैग इन दोनों चीज़ों में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देता है। अब इनका काम क्या होता है, इसको हम ऐसे कुछ इस तरह समझते हैं कि लेट करो, ये हमारा क्या है, ये हमारा लीगन यहाँ ड्रग बाइंड हुआ, ये अल्फा जीटीपी, इन्होंने इस PLC को क्या किया, एक्टिवेट कर दिया। अब PLC ने क्या किया, इस PIP3 को हमारा डैग में और IP3 दोनों में कन्वर्ट कर दिया। अब IP3 क्या करेगा कि हमारी बॉडी में कैल्शियम चैनल, जो आयन चैनल है, इसको ओपन कर देगा, इसकी वजह से हमारी बॉडी जो हमारा सेल है उसके अंदर हमारे कैल्शियम आने लगेंगे। अब कैल्शियम जो आ रहे हैं, कैल्शियम हमारे अंदर आ रहे हैं, वो कैल्शियम क्या करेंगे, हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स देंगे जो चाहिए, और उसके बाद वो कैल्शियम हमारा जो डैग वाला है, अब डैग का काम क्या है, डैग हमारा जो पी काइनेज हमारा जो होता है, प्रोटीन काइनेज जो मैंने पहले बताया था, उसमें हमारे ए वाले थे, इसमें हमारे सी वाले हैं, तो जो प्रोटीन काइनेज है इसको भी एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि ये पीएलसी है, तो ये पीएलसी यानी कि फॉस्फोलाइपेज सी है, तो ये प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट कर देगा। और जो हमारा कैल्शियम है, ये भी हमारा प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, यानी कि ये और ये दोनों चीज़ें हमारी इसको एक्टिवेट करेंगी। और ये क्या करता है, प्रोटीन की फॉस्फोलाइजेशन करा देगा, यानी कि हमारे जो प्रोटीन होगा उसमें कुछ चेंज होगा, उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, तब जाके वो क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से हमारा रिस्पॉन्स होता है। आप एक बार इस चार्ट को अच्छे से और मिला लेना, आपको सारा इजी तरीके से समझ आ जाएगा।
अब फंक्शन क्या है, यानी कि ये रिस्पॉन्स मिला, अब रिस्पॉन्स क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारी बॉडी में जो है कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, सीक्रेशन मिलती है हमारी हार्मोन की, और जो हमारी न्यूरो ट्रांसमीटर इन चीज़ों की हमें सीक्रेशन यानी कि रिलीज होने लगते हैं। फिर इंट्रा सेलुलर मूवमेंट हो गया, यानी कि सेल के अंदर हमारे जो आयन चैनल का मूवमेंट शुरू हो गया। फिर हमारा मेम्ब्रेन जो फंक्शन है, यानी कि हमारी मेम्ब्रेन इसमें कई बार फंक्शन शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा ये जो है काम करता है। तो ये हमारा कुछ इस तरह सिंपल काम करता है। अब हम तीसरा अपना समझते हैं, तीसरा हमारा होता है चैनल रेगुलेशन। अब ये हमारा जो है, ये हमारा तीन के द्वारा एक्टिवेट होता है, GS, GI और GO। और जो हमारा फॉस्फोलाइपेज था, ये हमारा GQ के द्वारा हो रहा था। तो ये हमारा कुछ इस तरह एक्टिवेट हो रहा है। अब क्या होता है, चैनल रेगुलेशन में हमें कोई भी सेकेंडरी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर इसकी बात करूँ तो इसमें हमारा कैंप था, इसकी बात करूँ तो इसमें जो हमारा PLC ये IP3 था, DEC था, ये हमारे थे सेकेंडरी एक्टर। और ये हमारे क्या कर रहे थे, हमारी बॉडी में अपना काम दिखा रहे थे। इस तरह हमारे जो चैनल रेगुलेशन, इसमें हमें कोई भी हमें सेकेंडरी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसमें काम क्या होता है, जैसे सिंपल समझो कि मान लो ये हमारा आयन चैनल था, आप ऐसे समझना कि यहां पर हमारा ये ड्रग बाइंड हुआ, ये सारा काम हुआ, इसके बाद क्या होगा, ये इन सब का कुछ नहीं, इन्होंने डायरेक्ट क्या करेंगे, ये हमारे आयन चैनल को ओपन कर देंगे। और आयन चैनल ओपन हो जाएगा तो हमारी बॉडी में जो हमारे आयंस होंगे वो हमारे एंटर करने लगेंगे। इनका सिंपल फंडा होता है, यानी कि एक्टिवेट जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा हमारे ड्रग बाइंड होकर, और वो क्या करेगा, हमारे चैनल को ओपन कर देगा, और इसके द्वारा हमारे जो आयंस है वो हमारी बॉडी में मूवमेंट करने लगेंगे। ये इसका सिंपल सा फंडा होता है। अब कौन कौन से चैनल होते हैं, इसमें हमारी नजर डालें तो हमारा GS होता है, ये हमारे कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा, हमारे मायोकार्डियम यानी कि हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर है उसमें, जो हमारा GI, G0 ओपन ये हमारा करेगा पोटेशियम चैनल को हमारे हार्ट में और स्मूथ मसल्स में। और जो रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में से क्या क्या आते हैं, हमारे आइनोट्रॉपी में कुछ चेंज आएगा, क्रोनोट्रॉपी में चेंज आएगा, ट्रांसमीटर रिलीज में आएगा, स्मूथ मसल्स और रिलैक्सेशन। तो ये हमारे कुछ इसके काम होते हैं चैनल रेगुलेशन के। तो आई होप आप लोग ये सारा कुछ समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने आयन चैनल और बाकी के सभी चैनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप थोड़ी सी लेंथ होगी, पर मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, बाकी जो कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा।